नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। आज बहुत ही स्पेशल सेशन आप सभी के लिए, सुपर टेट के लिए। यूपी टेट का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सफल भी हुए अगर देखा जाए, और आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन बारी अब आती है कि जो हमारी सुपर टेट की तैयारी है, जो 17,000 समथिंग वैकेंसी आने वाली है, पहली बात तो कब आ रही है ये अभी भी कहीं ना कहीं बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि अब बहुत जल्द आपकी सुपर टेट की आनी है, क्योंकि ये तुरंत ही अगली तैयारी यूपी टेट के दूसरे 2022 की करने लगेंगे। तो बहुत ही जल्द में आपको सुपर टेट की आने वाली है वैकेंसी। लेकिन इन वैकेंसी के लिए आपके लिए जो सबसे स्वर्णिम अवसर है, उस अवसर को आप कैसे ही बहुत अच्छे से अपने लिए लुभा सकते हो, कैसे उस अवसर का फायदा उठा सकते हो, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति आपकी चाहिए कि सुपर टेट में हम कैसे ही क्लियर करें और कैसे इसकी तैयारी करें। कायदे से अभी देखा जाए तो मिनिमम आपके पास 3 से 4 महीने हैं परीक्षा होने को। अगर देखिए, अभी कोई बात नहीं है, अगर विज्ञप्ति निकलेगी भी तो अप्रैल के अंतिम तक निकलेगी या मई के पहली वीक तक निकलेगी, और उसके बाद आपका मई, जून, जुलाई 3 महीने आपको मिलेगा। यानी जो सबसे ज्यादा अति संभावित महीना है वो अगस्त या सितंबर का है, जब आपका सुपर टेट होना है। तो आपके पास अभी भी 4 से 5 महीने, और इस 4-5 महीने में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस सेशन को मैं लेके आया हूँ। तो सर्वप्रथम, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। और आज के बाद आपको लगेगा कि वाकई में सुपर टेट बहुत आसान है, अगर तरीके से किया जाए तो यकीनन इसमें बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। और आपका जो एक सपना है प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक बनने का, वो आपका सपना अभी साकार होगा। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो सुपर टेट 2022 की बात करें। इसके पाठ्यक्रम के बारे में आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो पढ़िए, वहां से देख लीजिए। पाठ्यक्रम में 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक की हम चर्चा नहीं करेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा क्या है ये। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर होता है ना, और 2.5 घंटा होता भी है, 150 मिनट लगभग आपका होता भी है। तो लगभग बाकी चीजें सब कुछ बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि निगेटिव नहीं है, लेकिन दो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे केवल सुपर टेट के नंबर से आपका काम नहीं बनता है, इसमें दो तरीके चलते हैं। 60% आपका सुपर टेट का नंबर जो होता है, सुपर टेट में जो परसेंटेज आता है उसका 60%, और ऐसे ही जो एकेडमिक में आपका ओवरऑल परसेंटेज होता है आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का, है ना, और ग्रेजुएशन के बाद जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, उसमें जो अंक है उसका, सभी का ईच का 10%, यानी टोटल कितना होता है, 40% होता है, ये समझिएगा। सबका 10-10% लिया जाता है, लेकिन 10-10% अंकों का नहीं लिया जाता है, ये बात बहुत समझिएगा। किसका लिया जाता है, परसेंटेज का 10% लिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस वाले पार्ट में कंफ्यूज होते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके अगर 100 नंबर आते हैं तो 100/150 × 100 कितने परसेंटेज बने, आप पहले ये देखोगे, तो ये आपका लगभग 2/3 यानी कि 66% आपका बना, और इस 66% का 60% कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो ये आप समझिएगा, ये लगभग 40 अंक आपको यहां पे मिलेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन पाते हो तो 39 समथिंग अंक आपको मिलते हैं, यानी जो परसेंटेज पाते हो। जैसे मैं फिर से बता दूं, अगर 120 नंबर पाते हो तो 120 लगभग आपका 80% होता है। ये आप करोगे तो 3 × 12 = 3×5=15, ये 20 × 80% आप पाए सुपर टेट में जब आप 120 अंक पाते हो, और इसका 60% निकालोगे तो 48 अंक आपका केवल यहां पर जुड़ेगा। तो ओवरऑल जो मार्किंग आपकी, जो मेरिट होती है, वो कितने में बनती है, ओवरऑल मेरिट आपकी 100 अंक में बनती है, और 100 अंक में 60 अंक लगभग मैक्सिमम किसका होता है, इसका सुपर टेट का होता है, और 40 अंक मैक्सिमम किसका होता है, आपका एकेडमिक का होता है। ये आपका बदला नहीं जा सकता है, जितना आपका एकेडमिक में होगा, कई बच्चे 55%, कई बच्चे 60%, कई 65%, और कई 75%, और 75% से ऊपर बहुत कम ही बच्चे मिलते हैं। ये बात भी अगर ओवरऑल देखा जाए, 10th 12th सबका अगर जोड़ लिया जाए तो, है ना, तो ओवरऑल 75% से ऊपर वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो आप एकेडमिक आ गए हो, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप चेंज केवल इसे कर सकते हो, मेहनत केवल आपको यहां पे करना है, और पूरी रणनीति आपकी इसी के लिए होनी है। ये बात समझते हुए चलिएगा सुपर टेट के लिए जो हमारी रणनीति बनेगी। तो आप क्वेश्चन कितना कर रहे हो, अभी आपने देखा जब आप 120 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके केवल 48 क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें एलिजिबिलिटी होती है, पिछली बार 65% जनरल के लिए, 60% अन्य कैटेगरी के लिए, मतलब 150 में 97 क्वेश्चन जब आप सही करोगे तब आप सुपर टेट क्वालिफाई करोगे। लेकिन सुपर टेट क्वालिफाई करना केवल यहां पे मतलब नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि मेरिट लिस्ट में नाम आना। अभी आपका जो सबसे लास्ट में 6800 की सूची है, अगर आप उसमें देखो तो वहां पे
जो बच्चे गए हैं अभी, जो ओबीसी का गया है वो लगभग 65 अंक गया है, कितना 65.53, ये कितना 100 में से गया है, ये आउट ऑफ 100, ये पूरा भारांक जिसे बोला जाता है, इतना लीस्ट बच्चा गया है, ये बात समझते हुए चलिएगा। एससी का लगभग 59 है, तो अगर यहां पे ये जब सबसे लास्ट का बच्चा 65 तक पहुंच रहा है आपके पूरे 69,000 वैकेंसी में, तो इस बार आपके पास केवल 17,000 वैकेंसी है, लगभग उसका 1/4 है, ये बात समझिएगा। और अगर 1/4 है तो कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, भारांक आपका ज्यादा जाएगा। पिछली बार जो 66-67 पे काम बन गया था, 68 पे काम बन गया था, वो काम कहीं ना कहीं आपको 70 के पार होगा, ये बात समझते हुए चलेगा। तो भारांक आपको 70 के पार लाना है, तब जाके आप ये समझना कि 17,000 के वैकेंसी में आप एक पद अपने लिए हासिल कर पाओगे, एक अपने झोली में सिलेक्शन डाल पाओगे। तो यही से हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको यहां पे करना है तो ओवरऑल मिनिमम का 70 अंक, 70 मार्क्स आप जो भारांक है ना, ठीक है, जो भारांक की बात कर रहे हैं हम उसकी, ये आपको करना है। और इस 70 में आपका जो यहां पे होगा वो तो फिक्स है। आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा कितना पा रहा होगा, कोई 55% पा रहा होगा, कोई 60% पा रहा होगा, कोई 70% पा रहा होगा, कोई 75% पा रहा होगा। तो अगर 55% ओवरऑल पा रहा है तो 55 55 55 55, यानी 5 चौक 20 और 2, कितना अंक पाएगा? 22 अंक पाएगा टोटल। अगर 60% पा रहा होगा तो 24 अंक पाएगा, 6 चौक 24। अगर 7 पा रहा होगा तो 7 चौक 28 अंक टोटल पाएगा, और 75 पा रहा होगा तो 30 अंक पाएगा। मतलब जो मिनिमम बच्चा पा रहा होगा, क्योंकि 50% से नीचे लिए नहीं जाएंगे, तो 22 एवरेज बच्चा जो होगा वो 24 से 28 के बीच में ही रेंज में लाई कर रहा होगा। हम 25-26 एवरेज बच्चों को लेके चलें, यहां पे लाई कर रहा होगा 25 से 26 के अंक पे। तो आपको 70 में से 25-26 आपका पहले से यहां पे बना हुआ है, यानी आपको कितने के लिए मेहनत करनी है ये आप समझ लो कि 45 से 46 अंक के लिए, भारांक के लिए मेहनत करनी है। और आपने देखा 48 कब मिल रहा है, जब आप 120 क्वेश्चन सही कर रहे हो। यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 105 क्वेश्चन सही कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 110 क्वेश्चन से ऊपर मिनिमम का टारगेट करोगे, तब जाके होगा। और यहां से हमारी रणनीति शुरुआत होती है कि कैसे हम ये 110 का जो टारगेट है वो कैसे बनाएंगे। किसी का भारांक बहुत अच्छा है या फिर एकेडमिक बहुत अच्छा है, 75-80% है, तो कोई बात नहीं, उसका हो सकता है कि वो जस्ट पास हो, तब पे भी 98-99 क्वेश्चन पे भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी में केवल टॉपर्स जाते हैं, तो टॉपर्स अगर वहां पे होंगे तो उसमें भी टॉप मारेंगे, सुपर टेट में भी, तो आप उनके ही वो मत करो, समझना। और अगर आप टॉपर हो, टॉपर के लिए सोचते हो, तो ऐसा समझो कि 75 से 80% तो और भी लाने का कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हल्के में उस चीज को ले लो और उसके बाद अपना भारांक पता लगे 97 के नीचे आ जाए, या फिर 100 पे रहे और आप आधे नंबर एक नंबर के कारण सिलेक्शन ना हो, जैसा पिछली भर्ती में हुआ था। तो यहां से हम चीजों को समझते हुए चलेंगे बहुत विधिवत तरीके से। ये थोड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन थी जो मैं आपको कराया हूं। हम लोग अगर पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो पाठ्यक्रम में 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में आपके सबसे पहले तो भाषा है जो 40 अंक की है, भाषा में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है। अभी हम बात करेंगे कहां से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और किस प्रकार में आपको पढ़ना है, एक बार आप इसे देख लो। विज्ञान है, विज्ञान में वही आपका दैनिक जीवन, विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश है ना, दूरी हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, जीवों का की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, इतने हैं। बहुत हैवी नहीं है साइंस, ऊपर ऊपर फिजिक्स है, ऊपर ऊपर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के केवल 2 टॉपिक हैं, गाइडेंस देख लो, फिजिक्स के ज्यादा टॉपिक है, जैसे आपका गति हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। यहां पे आप देखो तो फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है। और आप देखोगे टोटल 10 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, 3 क्वेश्चन लगभग आपको बायो के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे। तो ओवरऑल साइंस में आपको पढ़ना क्या है ये भी समझते हुए चलना, फिजिक्स ज्यादा पढ़ना है। और बायो में आपको क्या पढ़ना है, पोषण और पोषक तत्व ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि स्वास्थ्य, मानव शरीर और स्वच्छता और पोषण, यही 3 है बायो। मतलब कि नहीं आप पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ते जाओ, मैं एक एक फिर चर्चा करूंगा बहुत विधिवत। ये वीडियो हो सकती है कि थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण वीडियो होगी। और इस वीडियो के हिसाब से अगर आप पढ़ लिए तो यकीन मानो आपसे अच्छा मार्क्स कोई नहीं लाएगा। मैंने पूरे प्रोसेस को, तैयारी को 3 स्टेजेस में तोड़े हैं, और वो 3 स्टेजेस में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज करो, कैसे 4 महीने में 3 पोर्शन आपको तैयार करना है और कैसे आपको हाईएस्ट मार्क लेके आना है। क्योंकि जब आप यहां पे टॉपर बनने को सोचोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, अगर आप केवल जस्ट कट ऑफ की सोचोगे तो यकीन मानो कहीं ना कहीं अंत में आपको धोखा मिल जाएगा। और टीम परीक्षा अपने बहुत विधिवत तैयारी भी करा रही है, बहुत न्यूनतम शुल्क में। ये आप देख, ये भी देखोगे कि जहां पे लोग 4,000-3,000 का कोर्स बेच रहे हैं, सुपर टेट का 7,000-7,000 का कोर्स बेच रहे हैं, परीक्षा प्लस 90% डिस्काउंट के साथ 399 में केवल आपकी संपूर्ण तैयारी करा रही है। बहुत विधिवत नोट्स, बहुत विधिवत क्लासेस और बहुत विधिवत टेस्ट, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके सिलेबस का डिस्कस कर लें। तो अभी मैथमेटिक्स में देखो, और मैथमेटिक्स में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज,
ये भी आप देखोगे तो मैथ भी चार पोर्शन में है, नंबर सिस्टम में है, स्टेटिस्टिक में है, अरिथमेटिक में है और आपका एलजेब्रा में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से और आपके ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 30 क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, 20 क्वेश्चन में 5-5 यानी कि 10 क्वेश्चन आपका कहां से आ जा रहा है, केवल आपका नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री से आ जा रहा है। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ना है ये भी समझते हुए चलो, मैथमेटिक्स के विषय में आप देख लो, प्रतिशत है, विभाजकता है, गुणनखंड है, एक एक नियम है, सामान्य बीजगणित है, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। तो सब कुछ है, स्टेटिस्टिक है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है और आपका क्या है यहां पे अर्थमेटिक है, मतलब समग्र पूरी मैथ है। लेकिन उसमें भी बहुत छोटा छोटा पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जाना है। आप लोग क्या करते हो, कोई भी किताब उठा लेते हो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो और वो पढ़ाते पढ़ाते अपने ही मस्त हो जाते हैं, आप भी चले जाते हो। एक बात समझना, यहां पे आप चाहे मार्केट में कोई किताबें उठा लो या फिर आप चाहे किसी संस्था में जुड़ जाओ, सभी लोग कहीं ना कहीं एक चीज जो आता है अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हैं। किताबें क्या करती हैं, किताबों में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहती, हर बार सुपर टेट आया, हर बार कोई एग्जाम है, कोई भी वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, वो केवल ऊपर का कवर बदलती हैं, वो नहीं इतना नहीं कि पूरा कंटेंट नहीं चेंज करेंगे। आपका सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, या हर बार जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो वो आपका कुछ अपडेट नहीं करते, कुछ एनालिसिस नहीं करते, कोई रणनीति नहीं होती उनकी, वो बस ऊपर से कवर चेंज किए, बच्चे बेवकूफ हैं, आपको उसी प्राइस में डिस्काउंट के साथ खरीद लोगे और आप भी सेटिस्फाइड रहते हो चार महीने कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको ये अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो एक बात समझना कि आप पर्याप्त बुद्धिमान हो और पर्याप्त यहां पे मैच्योर भी हो, आपको समझ में आना चाहिए क्या आपके लिए हितकर है, क्या आपके लिए हितकर नहीं है, क्या जो किताबें पढ़ रहे हो वो आपके लिए सही है, कहीं ऐसा तो नहीं ओल्ड पब्लिकेशन ही कवर लग के बदल गया है, कहीं ऐसी तो नहीं कोचिंग आप ऐसी ज्वाइन किए हो जो पुराना टीचर जो पुराना कंटेंट पढ़ा रहा है रटा रटाया है 10 साल से वही पढ़ा रहा है, एनालिसिस नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप नाम के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हो। तो ये भी चीज आप समझते हुए चलना। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन एनवायरमेंट में देख लो तो सौरमंडल ये कायदे से आपका किसका टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है, लेकिन ये पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन यहाँ पे सोशल स्टडीज की बात किया। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में ये आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स और आपका एनवायरमेंट है। लेकिन आप हिस्ट्री में एंशियंट और मेडिवल नहीं है, हिस्ट्री में केवल मॉडर्न इंडिया है। बहुत कम बच्चे इस बात को समझ पाते हैं, बोलते हिस्ट्री इतना कैसे पढ़ पाएंगे, केवल मॉडर्न पढ़ना है और मॉडर्न की कुछ टॉपिक्स पढ़नी है और वहीं से प्रश्न आएगा। आप पूरी मॉडर्न पढ़ लेते हो, उठा रहोगे लूसन, पूरी लूसन पढ़ोगे, तो रणनीति बनाओ क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये ज्यादा जरूरी होता है। जो बच्चे 130-125 क्वेश्चन करके आते हैं, पिछली बार जो टॉपर था 142 क्वेश्चन 150 में करके आया, वो सारी चीजों से रटी नहीं थी, वो वही पढ़ा जहां से प्रश्न बनना है। और अगर ये टैलेंट आपके अंदर आ गया कि कहां से प्रश्न बनना है वही चीज पढ़ना है, अब तैयारी के दरमियान सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यकीन मानो आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी किसी की नहीं हो सकती, कम समय में ही आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। तो हिस्ट्री में आपका केवल क्या है मॉडर्न है, पॉलिटी में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और आपके जो भाग है अनुसूची है, और आपके मुश्किल से 100 तक क्या पढ़ लो अनुच्छेद पढ़ लो, इससे ज्यादा पॉलिटी में पढ़ना नहीं है। इकोनॉमिक्स में कह रहा हूं आप पढ़ो ही मत, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आएगा 150 में और उस एक क्वेश्चन के करने के लिए आप पूरी किताब पढ़ोगे। कई सारे बच्चे तो पता नहीं कौन सी स्टैंडर्ड किताब पढ़ लेते हैं, कई सारे कोचिंग 30-30 लेक्चर दे देते हैं, कई सारे जो किताबें होती हैं इतनी मोटे मोटे 30-30 पन्ना 40-40 पन्ने का कंटेंट दे देते हैं, तो क्यों पढ़ रहे हो? अगर एक क्वेश्चन आपका केवल इकोनॉमिक्स का आना है तो आपको यह पता चल जाए कि यही एरिया से आना है, तो आप केवल उतना एरिया पढ़ के जाओ। अगर फंसता है तो ठीक है, नहीं फंसता तो नहीं ठीक है, बाकी 149 क्वेश्चन आपके पास है कि नहीं है, 150 में 150 तो नहीं कर पाओगे। तो वो एक क्वेश्चन के लिए आप मैथ में समय नहीं देते, क्यों? क्योंकि मैथ में आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, जबकि मैथ सबसे आसान पूछी जाती है और मैथ सबसे अच्छी एक्यूरेसी देगी। इसकी भी चर्चा करेंगे, कौन से पार्ट को आप आसानी से करके ज्यादा अंक एक्यूरेसी के साथ अर्जित कर सकते हो और कौन सा सब पार्ट ऐसा होता है जिसमें समय तो बहुत व्यर्थ होता है लेकिन अंक आपको बहुत रत्ती भर मिलते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी में पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ो, और इंडियन ज्योग्राफी में भी कुछ चीजें जैसे नदियां हो गया, पर्वत हो गया, महाद्वीप हो गया, पृथ्वी की संरचना हो गया, ये सारी चीजें आपकी पूछेगा। बाकी जो इन्वायरमेंट है उसमें भी आप ईवीएस पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, और क्वेश्चन केवल फूड चेन से पूछता है, हर बार पूछेगा। तो ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या आपको पढ़ना है।
हमारी शासन प्रणाली इज अ पॉलिटी। अब पॉलिटी में देखो ये हिस्ट्री स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, केवल दो पॉइंट हिस्ट्री का है और यही से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। अगर यहाँ पे देखो भारतीय संविधान, हमारी शासन प्रणाली, बस दो चीज, दो टॉपिक, और उसके बाद अगर आप देखो तो यातायात, सड़क और सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियां, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन एक आना है। ये हमें तो कहूंगा कि अभी इस पे मत करो, मैं बताऊंगा पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए चिंता मत करो। उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये बेकार की टॉपिक होती है, ये आपका जीके में पूछ लिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, यहां से भी बहुत कम क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यहां से भी अगर पूछता है तो आसानी पूछेगा, वरना नहीं पूछता है। तो ये सारी टॉपिक रिलेवेंट है क्योंकि आपके 10 ही क्वेश्चन पूछने हैं और 10 क्वेश्चन में इतने सारे टॉपिक है, तो आप खुद यकीन, खुद सोचो कौन से टॉपिक वो देगा। एक ही एक टॉपिक से एक ही तो क्वेश्चन बन पाएगा, एक टॉपिक से दो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, और उसमें सब कुछ है, उसमें पांच सब्जेक्ट है, पांच सब्जेक्ट में पांच पांच दस दस टॉपिक है, तो कैसे सबको कवर कर पाएगा। तो आप उसको पढ़ो जहां से आपके क्वेश्चन आने हैं 100%, ये बात समझिएगा। बाकी आपका शिक्षण कौशल, टीचिंग मेथोलॉजी, ये आपका वही जो यूपीटेट में पढ़ के आए हो, चाइल्ड साइकोलॉजी जो आपके पढ़ के आए हो, और आप मैनेजमेंट जो पढ़ के आए हो, तो 30 नंबर आपका इन तीन पोर्शन से होता है। कौन सा, टीचिंग मेथोलॉजी में, मतलब पेडागॉजी आप बोल लो, या फिर आप क्या बोल लो, चाइल्ड साइकोलॉजी बोल लो, और आप क्या बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो, ये तीनों आप यूपीटेट में तैयारी करके आए हो, जो सीडीपी वाला पार्ट होता है चैप्टर, और उसमें उस सब्जेक्ट उस पार्ट में आप ये तीनों पढ़े हो, तो ये 30 क्वेश्चन आपको आसानी से अर्जित करने, ये सारी टॉपिक वहीं पे है, ठीक है। बाकी आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पूछेगा, और ब्लड रिलेशन से, और यही टॉपिक मेन है, और फिर यही पूछेगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हो, लेकिन वहां से कोई मतलब नहीं है, ना ही डीआई का कोई मतलब है। सूचना पर पांच क्वेश्चन रीजनिंग, उसमें डीआई नहीं पूछने जाएगा, ये बात समझिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी यहां पे लिखा है, लेकिन यहां पे आपके जनरल फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जनरल कंप्यूटर पूछा जाता है, बेहद आसान होता है, ये समझिएगा। बाकी आपका ये वही मैनेजमेंट हो गया जो मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 10 पार्टों में है, और अगर भाषा वालों को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को अलग कर दोगे, टोटल 12 पार्ट है, लेकिन कायदे से ये 12 पार्ट जो है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्टों में मैं तोड़ा हूं, और जिसमें सामान्य अध्ययन को मैं 50 क्वेश्चन दिया हूं, जिसमें विज्ञान भी आपका, सामाजिक विज्ञान भी आपका, करंट भी आपका, जीके भी है। और ये जीके कुछ और नहीं, ये आपका स्टैटिक जीके है जो करंट से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। आपकी पिछली बार सब लोग बोलते करंट से 30 क्वेश्चन आया, 30 भाई एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो कैसे बताओगे 30 क्वेश्चन करंट से नहीं आया। करंट से उसने केवल 20 क्वेश्चन पूछा, और 10 क्वेश्चन जो जीके का पूछा वो करंट से हिडन फैक्ट पूछा। बच्चा इसकी तैयारी नहीं कर पा, फिर बोलते पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो ये बात समझते चलना, ये जीके इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन जीके पूछेगा, और ये करंट का ही जीके होगा, मतलब जो आपकी खबर हो रही होती है, जैसे कोई मंदिर आया तो वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो पुराना पूछ लिया। अब आप उसे इतिहास में बोलोगे ये तो एंशियंट से पूछ लिया, वो एंशियंट का क्वेश्चन नहीं है, वो जीके का क्वेश्चन है, ये बात आप समझिएगा। सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन है लेकिन 5 पोर्शन इसमें कवर कर रहा है। विज्ञान हो गया, 3 पोर्शन है जिसमें केमिस्ट्री कम फिजिक्स सबसे ज्यादा, बायो उसके बाद, तो 10 क्वेश्चन यहां से कवर कर रहा है। ओवरऑल आपका 50 क्वेश्चन केवल जीएस लेके जा रहा है। उसके बाद आपका जो बड़ा पार्ट है, जो आपका सीडीपी जिसे आप बोल सकते हो, सीधा सीडीपी जिसे बोल सकते हो, वो पेडागॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, तीन पार्ट मिला के 30 आपका वो है। उसके बाद 20 आपका मैथ है, हिंदी भी आपका 20 है, इंग्लिश आपका 10 है, संस्कृत आपका 10 है, रीजनिंग आपका 5 है, कंप्यूटर आपका 5 है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कान खोल के यहां पर सुनना, कि कहां से सिलेक्शन होना है। देखो, अगर आपने टारगेट ये बनाया है कि भाई आपको 110 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन मिनिमम करना है, और इतना टारगेट बना के चलो इससे कम करके आओ, इससे कम सही करके आओगे, तो यकीनन धोखा खा जाओगे। इस बार वैकेंसी कम है, बच्चे 2 साल से भूखे पड़े हैं, पिछली बार वैकेंसी बल्क में आ गई थी, लड़के तैयार नहीं थे, तब जाके इतना कटाओ, और उसके पहले 1 69,000 1 68,000, दो दो मतलब 1.25 लाख वैकेंसी आ चुकी थी, तब कट ऑफ इतना नीचे गया था। इस बार कट ऑफ आसमान छूने वाला है। अच्छा, पिछली बार शिक्षा मित्र को भी वहां पे 25 फ्री मिल गया था, तो हालांकि उनका वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में नहीं आए, क्योंकि वो ये वाला पार्ट और एकेडमिक वाला पार्ट अच्छा नहीं कर पाए, ये बात आप समझिएगा। लेकिन आपके एकेडमिक जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो इस बार यूपीटेट क्लियर कर रहे हैं, उनके एकेडमिक अच्छे हैं, ये बात समझिएगा। तो एकेडमिक में स्कोर ज्यादा करेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो एकेडमिक बदल नहीं सकते हो सभी लोग, बदलना आपको सुपरटेट का पेपर है, और वहां पे 110 से 120 के ऊपर का टारगेट आपको करना है, और कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो, जिस पे मैंने स्टार लगाया है, जैसे मैथ हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, इस पोर्शन में आज ही आप कसम खा लो कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया, इसका मतलब आप अपना चयन होने से बहुत दूर जा रहे हो, सिलेक्शन से बहुत दूरी बना रहे हो।
मैथ्स 100% आप सही कर सकते हो, मैथ्स को इतना हवा नहीं है, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मैं मैथ्स खुद पढ़ाता हूं और सुपर टेट आपको इतना बेहतरीन तरीके से मैथ्स में कवर कराऊंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, इस 20 में 20 सही कराने की गारंटी मैं लेता हूं, और जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा एग्जैक्टली वैसा एग्जाम में फंस भी जाएगा इस बात की भी गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हूबहू क्वेश्चन एग्जैक्ट, बट उसी पैटर्न पे आप थोड़ी सी लॉजिक लगाओगे और वही क्वेश्चन आप करके आओगे बिना किसी एफर्ट के। तो ये 20 क्वेश्चन आपको 100% करना है। हिंदी में 20 में से 20 आप डुएबल होता है अगर आप 4 महीना मेहनत करते हो, सही रिसोर्स है, सही कंटेंट आपके पास है। आज के समय में मार्केट में रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, हिंदी में छोटी सी बात के लिए आप पीएन पांडे पढ़ जाओगे, आदित्य पब्लिकेशन पढ़ जाओगे, वासुदेव नंदन पढ़ जाओगे, सब कुछ पढ़ जाओगे, लेकिन वो पूछना क्या है ये नहीं समझ में आएगा आपको। पिछली बार भी क्या पूछा था, 2 पैराग्राफ से पूछा था, उसके बाद तत्सम तद्भव से पूछा था, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं अगर वर्तनी से देखो अनेकार्थी शब्द से पूछा था, ग्रामर का पोर्शन पूछा था काफी ज्यादा, और साफ साफ उसने लिखा है कि अगर इसमें भाषा में पूछेगा तो व्याकरण ज्यादा पूछेगा, और संस्कृत वाला जो पार्ट है इसमें तो पूरा ही व्याकरण पूछता है, पूरा ही श्लोक या व्याकरण, उसमें कारक पूछता है, विभक्ति पूछता है, पूरा व्याकरण ही आता है। तो ये बात समझिएगा, हिंदी में आपको ज्यादा व्याकरण पे फोकस करना है, और यहां पे 20 में 20 आपके डुएबल है। तो 20 मैथ में 20 हिंदी में 40 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के एक भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सेंस के एनालॉजी पे और आपके क्लॉक कैलेंडर पे बहुत बेसिक सी ट्रिक होती है, इसी पे ब्लड रिलेशन पे 4-5 क्वेश्चन इसी पूछेगा, अलग नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन केवल सीरीज का टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी कर लोगे, मतलब 5 में 5 डुएबल है। तो ये जो आपका 20-20-40 और 5-45, इसे अगर आप देखो तो 45 क्वेश्चन आपका यहां होता है, उसके बाद आपका देखा जाए कहां पे एकदम नहीं करना है, कहां से स्कोर बहुत अच्छे से करना है। अगर आप 45 यहां पे कर लेते हो तो ये वाला जो पार्ट आपका है कहां पे करंट वाला पार्ट, ये 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन को भी आप अपने झोली में डालो, तो ये अगर 20 कर लोगे, ये 20 आसान है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल आपका 65 क्वेश्चन पे पहुंच गए। और 65 क्वेश्चन अगर यहां पे पहुंच जाते हो तो अब कुछ पार्ट आते हैं, जैसे जहां पे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। सीडीपी पे मैं नहीं कह रहा हूं ये वाला पार्ट जो है आपके 30 में 30 करो, लेकिन 25 प्लस स्कोर करने का प्रयास करो, ना 25 हो तो 22 प्लस स्कोर करने का प्रयास करो, तो 22 क्वेश्चन आप यहां से प्रयास करो। इंग्लिश में मैं नहीं कह रहा हूं 10 में 10 करो, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं 5 का अभी से लेके चलो, आगे बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। संस्कृत में 10 में 10 नहीं हो सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे हो सकते हैं, तो 8, 7, 8, 5, 13, 13 और 22 यानी 25 और 20 है ना, हाँ 8, 5, 13 और 25 और 15 आप मान के चलो, तो कितना हो जाएगा 40 क्वेश्चन आपका यहां कवर हो गया, और 65 यहां पे, मतलब 105 क्वेश्चन आप यहां पे पहुंच गए। अब आपके पास क्या बच रहा है, एक कंप्यूटर बच रहा है, सामान्य अध्ययन बच रहा है, और आपका क्या बच रहा है, सामाजिक विज्ञान और जीके बच रहा है। इसमें से आप जितना झोली में डाल पाओ, सामान्य अध्ययन में विज्ञान 10 हो गया, सामाजिक विज्ञान 10 हो गया, सामाजिक, हाँ ठीक है, सोशल साइंस, ये 10, 10, 20, 5, 25 और 10, 35 35 में जितना आप ले आओ, मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन लाओगे, 15 क्वेश्चन लाओगे, अगर 15 लेके आते हो तो आप 120 क्वेश्चन सही करके आओगे, और यही आपकी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। मिनिमम आप 120-125 सोच के चलोगे, तभी जाके 17,000 की वैकेंसी में आप कहीं ना कहीं सफल हो पाओगे। तो ये आप करते चलो, कैसे पढ़ना है उसका मैं आपको चरण डिवाइड कर दे रहा हूं। ये मैंने कुछ आपके लिए कैलकुलेशन किया था कि अगर आप 70 ओवरऑल पे टारगेट करते हो ये 100 में से, तो आपके एकेडमी में बहुत सारे बच्चे 55% वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे 60% वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे 75%। मैंने बच्चों को 3 कैटेगरी में डाला है, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, या इनके बीच में भी आ सकते हो। तो अगर आप 55 के आसपास वाले हो तो इसका मतलब आपका ओवरऑल स्कोर 22 बन रहा होगा, तो आपको इसमें सुपर टेट में कितना लेके आना है, 48 लेके आना है, और अगर 48 लेके आना है मतलब आपको मिनिमम का 120 क्वेश्चन सही करना है। अगर आप 60% एकेडमी में पा रहे हो तो मिनिमम आपका 46 अंक लाना है, 46 के लिए 115 क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर आप 75% वाले हो तो 30 अंक आपको एकेडमी में मिल जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन आपको मिनिमम कहां लाना पड़ेगा, सुपर टेट में लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन मिनिमम सही करने पड़ेंगे। ये बात समझते चलना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये 70 ओवरऑल के लिए है, लेकिन ये उसके लिए है जब लक साथ दे दे और आप सिलेक्शन हो जाओ। अगर आप गारंटीड सिलेक्शन चाहते हो तो आपको ओवरऑल 75 पे टारगेट करना पड़ेगा, या 75 से 80 के बीच में टारगेट करना पड़ेगा। तो आप इसे अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और इसे अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यहां पे सोचो। तो अगर 75 ओवरऑल है तो एकेडमिक तो नहीं बदलेगा, जो यहां पे है वही कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आपको 75 करना है, तो अगर आप 55% वाली कैटेगरी में हो तो आपको कितने
53 अंक लाने होंगे, मतलब 132 क्वेश्चन करने होंगे। तो आज ही से टारगेट बनाओ कि कैसे 100, अगर आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो इसका मतलब होप मत को, अभी कुछ खत्म नहीं हो गया है भाई। इससे ज्यादा बच्चा क्या पाएगा, 50% पाएगा, 50% से नीचे वाला एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा, ये बात समझना आप। तो 50% से ऊपर वाले ही पाएंगे तो 20 से 22 में ही आएंगे। तो अगर आपके मिनिमम इतने अंक आ रहे हैं तो भी आप 132 क्वेश्चन 150 में से सही कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं भी होप अपने खोने की जरूरत नहीं है, अभी भी चांस है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, ये आप पंक्ति हमेशा याद रखना। तो अगर मिनिमम है तब भी आप 132 क्वेश्चन लाके सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप 60% थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हो 128 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 75% या उससे ऊपर आ रहा है तो 112-110 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, यही सत्य है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये मैंने आपका एक टाइम टेबल टाइप में बनाया है जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आपकी अपनी भी हो सकती है, लेकिन यकीन मानो अगर इसको कोई बच्चा फॉलो कर लिया तो बहुत ही विधिवत उसका अंक आएगा और उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं। बाकी टीम परीक्षा प्लस आपके तन मन धन के साथ लेके आपके साथ में है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उस कोर्स का शुल्क भी बहुत ही न्यूनतम है, 90% डिस्काउंट चल रहा है, 4000 का कोर्स केवल 399 में है। इसमें आपको पूरे नोट्स भी, पूरी किताब दी जा रही है, बहुत जबरदस्त, पूरा 10-12 पार्ट जितनी किताब हो सकती है, बहुत आप गारंटी उसी से ही क्वेश्चन आने हैं। आपको कम से कम 30 से 40 टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आपको इतनी जबरदस्त लाइव क्लासेस दी जा रही है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस तो बहुत विधिवत समग्र रूप से तैयारी करवाई जानी है आपकी। अब आप इसको टाइम टेबल देख लो कैसे आपको पढ़ना है। तो मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में। ये पहले वो वाला पार्ट करो जहां से आप एकदम से बूस्ट करो, एकदम से बूस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करो 150 क्वेश्चन में पेपर देने आज अगर बैठ जाओ तो आप 30-25 क्वेश्चन केवल कर पाओ तो कौका मार गए। तो वहां से अगर आपको स्पीड बूस्ट करना है, मतलब आप 60-65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन चाहते हो कि हम एक महीना पढ़ें और वो 20-30 हमारा आज स्कोर आ रहा है जब हम तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, जब हम फ्रेशर हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे भी पहली बार यूपी टेट क्लियर किए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो सुपर टेट से कहीं घबरा भी रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूं कि बहुत ही कम मेहनत में, मेहनत देखो करना है, मेहनत से जी नहीं चलाना, लेकिन अगर आपकी रणनीति बहुत अच्छी हो तो वही एफर्ट कम हो जाता है। रणनीति बुरी हो तो आप लगातार एफर्ट पुट करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो ये बात समझना कि आपको ये 3 करने कैसे, मैथ्स का नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री का 2D और 3D पार्ट। 2D 3D मतलब क्या होता है, जैसे आपका आयत हो गया है ना, आपका सर्कल तो है ही नहीं है, है ना, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, या इसमें 3D में आ जाता है जैसे कोण हो गया, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। और इन सबको ये अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन है और 5 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ही आपका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, नंबर सिस्टम में भिन्न है, नंबर सिस्टम में दशमलव है, दशमलव में ही आपका परिमेय अपरिमेय संख्या है, वहीं पे आपका इंडिसेस और सर्ट्स है। तो 5 और 5 10 क्वेश्चन आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, मतलब केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, 2 चैप्टर में। यहां पे आपको मैं मेहनत भी बता दूं, मेहनत कैसे करनी है समझना, नंबर सिस्टम के मैक्सिमम 15 घंटे अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है, इस तरह पढ़ाता है तो आपका समय बर्बाद कर रहा है। 15 घंटे आप ये क्लास करो और कम से कम 10 घंटे ये क्लास करो, मतलब 25 घंटे की क्लास, और उसके बाद कम से कम नहीं तो 150 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करो, मतलब 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर इतना केवल कर लिए तो आपका 10 में से 1 भी अंक आपका जाने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर आप हिंदी करते हो, हिंदी में 20 में 20 आप एक बार में, कौन से महीने में, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अप्रैल और मई एंड होते होते मई के 20-22 मई तक आप ऐसे मान के चलो कि 40 दिन लगभग एक सेक्शन को आपको 40 दिन देना है, 40 दिन, मतलब कि 120 दिन, मतलब कि 4 महीने का टारगेट आपका लगभग है। तो अगर 40 दिन में आप ऐसे समझो कि हिंदी आप पढ़ते हो तो ये बहुत ही पर्याप्त समय है। क्या पढ़ना है इसको भी मैं आपको अलग अलग, जब क्लास में आओगे जो आपके रिलेटेड टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं, विषय वाला रणनीति बताते हैं, प्रश्नगत रणनीति बताते हैं, किस विषय में कितना समय देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब आपको क्लास में डिस्कशन होता है। लेकिन आपको इसी महीने में हिंदी इतनी स्ट्रांग कर लेनी है कि 20 में 20 सही होने लगे, ना 20 में 20 सही होने लगे, 17-18 तक तो पहुंच ही जाओ बहुत आराम से, बाकी टेस्ट देके जो कमियां हैं वो इंप्रूव होती रहेंगी, उसके लिए घबराना नहीं है। उसके बाद पेडागॉजी और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये भी आपको कंप्लीट, जो 20 क्वेश्चन है 10-10 का अलग अलग पार्ट, ये भी आपको किस महीने में, अप्रैल और मई में कर लेना है। तो अप्रैल और मई मतलब मई का, अगर आप 20 से 25 मई तक की बात करो, 20 से 25 मई तक आपका इतना कवर हो जाता है तो आप कितना कवर कर लोगे, आप 50 अंक जो है 50 नंबर आप यहीं पे बूस्ट कर जाओगे। उसके बाद जब अगला पड़ाव आप स्टार्ट करो तो वहां पे मैथ का जो बचा हुआ पार्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटिस्टिक और एलजेब्रा,
ये छोटा पार्ट है, क्योंकि स्टेटिस्टिक में उसने लिखा है बेसिक स्टेटिस्टिक, केवल दो चीज पूछेगा, फिर से पूछेगा इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा, जो थ्री मीडियन बराबर मोड और मीडियन का रिलेशन होता है ना, और उसके बाद या फिर मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी निकालने को पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। तो अगर आपको पता है, मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि अब क्या क्या टॉपिक पढ़ लो एलजेब्रा में, एलजेब्रा में भी ऐसा नहीं कि आपसे वहां पे क्या पूछेगा क्वाड्रेटिक पूछेगा, नहीं, एलजेब्रा में आपसे सर्वसमिकाएं या एलजेब्रिक आइडेंटिटी दो टॉपिक है बहुत अच्छी सी, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर ये दो टॉपिक छोटी छोटी टॉपिक है तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन पढ़ना क्या है उस चीज को समझो। तो पांच क्वेश्चन आपका यहां आ जाएगा, रीजनिंग आपका आसान है, दस टॉपिक सात आठ टॉपिक दिए, लेकिन तीन ही चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, आपका दिशा जो डायरेक्शन सेंस है, आपका जो ब्लड रिलेशन है, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का है, और एक आपका सीरीज का है, यही चार पांच क्वेश्चन, एनालॉजी चार पांच क्वेश्चन मिला के यही से पूछेगा क्लॉक कैलेंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा। कंप्यूटर भी आपका पांच हो जाएगा, ये भी आप पढ़ लो, आशीष सर बहुत विद्वत पढ़ाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री केवल पढ़नी है, दो टॉपिक केवल देना है, तीन क्वेश्चन ये कवर हो जाएगा। पॉलिटी में आपको प्रबंध सर बताएंगे बहुत विद्वत तरीके से, केवल दो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये भी आपको कवर करना है। इंग्लिश में आपका ये 10-10 क्वेश्चन है, और इसमें मैक्सिमम जितना कर सकते हो, केवल ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसमें दो क्वेश्चन तो पैसेज के ही आएंगे, तो आठ क्वेश्चन ग्रामर के हैं, और वही आठ क्वेश्चन केवल पार्ट ऑफ स्पीच से पूछते हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, सेंटेंसेस पढ़ लो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और पार्ट ऑफ स्पीच केवल इंग्लिश में इतना पढ़ना है, 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन सही करोगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ऐसे ही संस्कृत में केवल आप विभक्ति पढ़ लो, कारक पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, है ना, इन तीन चीजों को चार बार पढ़ लो, और लकार वगैरह पढ़ लो, तो ये केवल आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ये बात भी समझना। बाकी फिर तीसरे पड़ाव में जब आप जून जुलाई में आओ, तो मैथ्स का अरिथमेटिक का पोर्शन, मैथ्स में अरिथमेटिक पोर्शन सबसे ज्यादा समय ले जाएगा, और केवल पांच क्वेश्चन पूछेगा, और पांच क्वेश्चन में आपके अलग अलग चैप्टर हैं, इसी में आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सीआईएसआई है, डिस्काउंट है, और उसके बाद आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसके बाद फिर आपका टाइम एंड वर्क है, और इसके अलावा फिर अगर आप देखोगे तो एवरेज भी है। तो इतने चैप्टर मिला के केवल पांच अंक, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, इसे लास्ट में जहां पे बहुत सारी चीजें छोड़नी होगी, यहां पे कुछ नहीं छोड़ना है, यहां पे थोड़ी चीज छोड़ सकते हो, यहां पे थोड़ा ज्यादा छोड़ना है, पढ़ना कम है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। साइंस में आपको यहां पे भी 10 में 10 छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक है, ये बात समझना। ज्योग्राफी एनवायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, एक क्वेश्चन केवल पूछेगा, एनवायरमेंट में बेसिक चीज पढ़ना है, वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड का एक दो पॉइंट पढ़ना है, तो आपके पांच अंक यहां पर अर्जित हो जाएंगे। और बाद में ये मैनेजमेंट स्किल सबसे लास्ट में आप पढ़ना, या वैसे भी बिना पढ़े जाओगे, थोड़ा भी आपका आईक्यू अच्छा होगा, तो 10 में 4-5 क्वेश्चन सही कर लोगे, और सही चीज पढ़ लोगे तो 7-8 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो आपके तीन स्टेजेस हैं, पहले स्टेजेस में आपके 50 मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है, दूसरे स्टेज में 5-5-10, 5-15, 5-20, 20-40, 40 मार्क्स आपका यहां पे डिवाइड किया है, तो 50-40-90 हो गए, और 10-10-20-10-30 यहां पे हो गए, तो 120 यहां पे हो गए। लेकिन इस पूरे तैयारी के दरमियान करंट और जीके साथ में पढ़ते चलना है, डेली बेसिस पे पढ़ते चलना है, बार बार पढ़ते चलना है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो सबसे आसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। कारण क्या है? कंफ्यूजन के कारण। तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करंट में स्कोर बहुत अच्छा करो, क्या आपके लिए बेस्ट रिसोर्स होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्लास में, है ना। लेकिन इसे आप डेली बेसिस पे पढ़ते चलो, और टीम परीक्षा प्लस का अगर आपको डेली करंट आप मिल रहा है तो वो बेस्ट है, उससे ज्यादा कुछ आपको पूछेगा नहीं, बाकी स्टैटिक जीके जो करंट से रिलेटेड होगा। तो 30 क्वेश्चन आपको ये पूरे तैयारी के दरमियान, मतलब अप्रैल से लेकर जुलाई तक करना है, और अगर आप इतना पढ़ लिए तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आते हैं सबसे बड़ी बात, हम इतना ला तो कर लें, पढ़ तो लें, कितने घंटे पढ़े, तो 4 महीने अगर आप 3 से 4 घंटे भी डेली निकालते हो, इस सेक्शन में भी बराबर 3 से 4 सब्जेक्ट है, 1-1 घंटे सबको देते हो, इसमें भी आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, यहां पे थोड़ा सा बीच में आपको शुरुआत में समय कम देना पड़ेगा, बीच में जब आपकी फ्लो बन जाता है तो समय बढ़ा सकते हो, इसलिए मैंने 5-6 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं, तो 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो, और लास्ट में जब आप पैनिक होते हो, समय तो ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इन चीज का रिवीजन भी कर रहे होगे, तो इन पे 1-1 घंटा देके आप चीजों को कवर भी कर सकते हो, बाकी करंट आप पहले ले सकते हो। तो आप ऑन एवरेज 4 से 5 घंटे अभी से मान के देखे चलो, 2-2.5 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, अगर दिन में फुर्सत मिलती है तो वैसे भी पढ़ लो, अगर इतना पढ़ लेते हो, जो घर में महिलाएं हैं, काम करने वाली हैं, या बच्चियां हैं, या फिर जो भी हैं, कहीं वर्किंग पर्सन है, पर्सनल है, तो वो सब लोग क्या कर सकते हैं, 4-5 घंटा मैनेज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा,
आराम से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। कहां से तैयारी करनी है तो मैं आपको एक बार बोलूंगा, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप कोई भी ला सकते हो, लेकिन उसके साथ समझना, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, हर बार हर साल आप देखते जाओ, मैं कितनी किताबों का नाम ले लूं, केवल कवर चेंज होता है, वो चाहे अरिहंत पब्लिकेशन हो, वो चाहे किरण पब्लिकेशन हो, चाहे दिशा पब्लिकेशन हो, चाहे अन्य कोई किताब हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, सभी के केवल कवर चेंज होते हैं, कंटेंट नहीं चेंज होता है। सो अगर आपको कंटेंट पे बहुत अपडेटेड कंटेंट और कैसे इस बार पूछा जाना है रणनीतिक तरीके से है, तो मुझे लगता है कि परीक्षा प्लस से बेस्ट अभी तक कोई नहीं कर पा रहा है। पिछले परीक्षा में भी देखिए, यूपीटेट में भी बहुत सारे बच्चों के स्कोर देखोगे 125, 120, 122 ऐसे स्कोर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब कंटेंट कहीं कहीं रंग लाता है। तो ये किताब है आपकी, जैसे सामाजिक विज्ञान की है, भूगोल की, तो उसमें सौरमंडल में पृथ्वी आप ये देख सकते हो, बहुत विधिवत तरीके से बनाया गया है, पूरा इमेज उमेज के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नोट्स है ना, ऐसे देखो ये इन्वायरमेंट्स का पूरी किताब है, ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब है, मैथ्स की, इतनी जबरदस्त मैथ्स आप कहीं नहीं, पूरा क्लासिफिकेशन केवल एक पेज में जबरदस्त तरीके से परिमेय परिमेय बता दिया गया है। ये आप देखो, चाहे पूरा नंबर सिस्टम, कुछ भी नंबर लाइन देख लो, फिर आपका कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ ईवीएस जो इन्वायरमेंट स्टडीज है, ये समावेशी शिक्षा जो है इसका है, इंग्लिश का अलग है, तो ऐसे करके आपके तमाम है ना, तमाम जो वो है यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको नोट्स, अभी मैं आपको बता दूं कि क्या कर सकते हो। तो देखो, बुक्स लेने के लिए भाई मार्केट में बहुत ज्यादा भटको मत, इतना मैं बोलूंगा, फिर भी अगर आपको कोई पसंद है तो आप वहां पे ज्वाइन करो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी संस्था से जुड़े तो वहीं से तैयारी करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहां पे आपको समझ में आप वहां से पढ़ो, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन दिलाता हूं कि टीम परीक्षा प्लस हमेशा से बहुत रणनीति के साथ, बहुत ही क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ही अपडेटेड मटेरियल के साथ, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट और फैकल्टी जबरदस्त हाई एक्सपीरियंस के साथ आपको जब मैदान में उतरते हैं तो यकीनन वो मजा ही कुछ और होता है पढ़ने का, और जब सिलेक्शन में जब बच्चों का नाम होता है तो और ही कुछ मजा आता है। तो आप यहां से आप देख सकते हो, ये पूरा 3999 का कोर्स है, लेकिन आप इसे केवल 399 में प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे किताबें नोट्स दिया जाएगा, प्लस आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा विधिवत, बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत प्रॉपर तरीके से, इसके साथ ही आपको कम से कम 40 प्लस प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है, 40 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, और इसके अतिरिक्त आपका जो MCQs और जो आपका लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है, मैराथन होता है, उसका तो आप पूछो ही मत। तो ये आपको इतनी सारी चीजें केवल 399 मिल रही है, अगर आपको चाहिए तो ये आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त भी कर सकते हो। यहाँ पे कहीं वो था शायद, है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता ये सारी चीजें, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये पूरा। ठीक है, चलिए, यहां पे है नहीं मेरे पास थंबनेल, तो अभी स्क्रीन पे आपका आ जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो बड़ा सा वहां पे आप कर सकते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं, तो ये आप परीक्षा प्लस ऐप है ना, परीक्षा प्लस ऐप कहां पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, और उस ऐप में आप जाएंगे तो सुपर टेट का बैच आपको इस समय 90% ऑफ के साथ केवल और केवल 399 में मिल रहा है। यह बात आप समझिएगा, बहुत कम समय के लिए ऑफर है, ऑफर आपका हट भी सकता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 9129 ये नंबर में लिख दे रहा हूं, 6970 80 इस पर कॉल भी कर सकते हैं, या 94 5000 6007 इस पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आप यहां पे देख सकते हो। तो परीक्षा प्लस ऐप से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको नोट्स दिखाई दिए, क्लासेस आप देख सकते हो, आपको कुछ डेमो भी लगेंगे वो भी देख सकते हो, तो आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये एक अलग चीज है, वो मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना, वो आपकी बात है कि आप कितने समझदार हो, किस चीज को समझते हो, क्या सही है क्या गलत है, पर्याप्त समझदार हो, उसके लिए मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी जुड़े रहो, किसी भी संस्थान से जुड़े रहो, किसी भी चीज को करो, एक तीन चार चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए कि रिसोर्सेस आप बहुत अच्छा पकड़ो, देखो अपडेटेड है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक बात समझिएगा कि जो पेपर बनेगा वो केवल और केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनेगा। तो अगर आपका कोई भी किताब जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्लस उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ब्रीफ है, तो आप समझ लेना कि वो कंटेंट अच्छा है, आप उसे उस किताब को परचेज कर सकते हो। कोई संस्थान जो आपको एनालिसिस के साथ, रणनीति के साथ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कम में, ऐसा नहीं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी है जो दिन में 10-10 क्लास चला रही है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप उन्हें ज्वाइन करो, वो केवल समय बर्बाद करेंगे, अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। सुपरटेट में आपको 1000 लेक्चर की जरूरत नहीं है, 250 से 300 या 350 लेक्चर की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है। नोट्स में आपको किसी भी नोट्स में 50 से 60 पेज की से ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो एक एक चीज के 250-250 पन्ने के नोट्स दे रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, यह बात समझिएगा।
टेस्ट में ऐसे टेस्ट आप अटेंड करो जो एकदम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और जैसा बनना है पेपर उसके अकॉर्डिंग हो, तो वो चीज आप फेवर करो। बाकी आप अच्छे से एनालाइज करो, दो दिन तीन दिन रुक के आप पोस्ट परचेज करो, कहीं भी जाना है कहीं भी जुड़ना है, लेकिन आप अच्छे से ठोक बचा लो तब जुड़ो, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, पैसा आता जाएगा जाता जाएगा, बात है आपके समय की। अगर आप कहीं लग गए और उसके बाद आप तीन महीना चार महीना बाद आपको पता चलता है अरे यार मेरा समय बर्बाद हो गया, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो गई, तो उससे बड़ा नुकसान शायद कुछ नहीं हो सकता है। कोर्स के दरमियान हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।